एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब अच्छा ही होगा। आज मैं आप लोगों से टोहर गाड़ी टेम्पल, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच उपस्थित है, उसके बारे में एक छोटी सी वीडियो और जानकारी शेयर करूँगा। इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल चंदन नाथ इंडियन टूर को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। ये दोस्तों हम मंदिर के सामने ये देख सकते हैं, ये मंदिर की फ्रंट सीन है। बहुत से श्रद्धालु अभी घुस रहे हैं अंदर, लाइन में लगे हैं, हम भी दर्शन करेंगे। ये दोस्तों देख सकते हैं चारों तरफ रिवर है और बीच में ये जो मंदिर है ये उपस्थित है। यहाँ तक आने के लिए दोस्तों आपको शिप से आना पड़ेगा, वो तो वीडियो में आपको बता ही दी है। उमानंद जो है ये सरकारी वाला है, यहाँ से दोस्तों उस पार जाने का 20 रुपये लेता है। यदि आप प्राइवेट से जाना चाहते हैं, कामाख्या मंदिर और कामाख्या जंक्शन से पहले पड़ेगा। और यदि आप गुवाहाटी जंक्शन से जाना चाहते हैं तो गुवाहाटी जंक्शन से ये उमानंद वाला सरकारी वाला जो है ये आपको फ्रंट में पड़ेगा। तो यदि आप प्राइवेट से जाइएगा तो 20 रुपया पड़ेगा एक जन का, और यदि आप ये यदि सरकारी से जाइएगा तो 20 रुपया पड़ेगा, और यदि प्राइवेट से जाइएगा तो एक जन का 200 रुपया पड़ेगा। तो मैं कहूँगा सरकारी में आ जाइए, क्योंकि ज़्यादा दूर है नहीं, इधर से पैदल आ जाइएगा तो आपको यहाँ सामने शिप देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए शिप में चढ़ते और दिखाते हैं क्या सीन। ऐसा कुछ सीन है दोस्तों शिप की, देख सकते हैं बहुत से लोग अभी चढ़ रहे हैं। तो चलिए हम भी चढ़ के देखते हैं कहाँ ले जाता है। वो जो दोस्तों सामने देख रहे हो वो प्राइवेट वाला है, लेकिन आने में वो 500 मीटर की दूरी पर है, और ये सरकारी है। ये जगह जो है ये उमानंद एरिया। ऐसा कुछ सीन है दोस्तों शिप की, देख सकते हैं। बहुत से लोग यहाँ बैठे हुए हैं। ये दोस्तों सामने आपको टिकट काउंटर देखने को मिल जाएंगे, यहाँ से जो एक जन का किराया लेता है ये 20 रुपया पड़ता है। ये दोस्तों शिप भी है लेकिन इसको खड़ा करके रखा है, और ये वाला चलेगा तो अभी साथ में ये जब चलने के बाद अलग हो जाएगा। तो अभी दोस्तों 30 मिनट टाइम है, 30 मिनट के बाद टिकट लेंगे फिर चलेंगे। तो चलिए दिखाते हैं सीन ब्रह्मपुत्र नदी का कैसा है। तो दोस्तों फाइनली शिप में उठ ही गए हैं। यहाँ दोस्तों जो किराया लिया 20 रुपया पड़ा, और वो दोस्तों ऑनलाइन ही टिकट दिया, वो मोबाइल में मैसेज आया और मोबाइल में मैसेज दे के उसने दिया। ये दोस्तों हमको 12:30 बजे यहाँ से ले जाएंगे, और यहाँ पर आधा घंटा ड्रॉप करेंगे फिर लेके आएंगे वहाँ से वापसी। तो दोस्तों देख सकते हैं शिप का कुछ ऐसा सीन है। जिंदगी का सफर। तो दोस्तों फाइनली शिप खुल चुका है, देख सकते हैं आप लोग। ऐसा कुछ सीन है। तो दोस्तों फाइनली मंदिर के सामने आ ही गए हैं, देख सकते हैं। ऐसा लग रहा है दोस्तों शिव खड़ा है और मंदिर ही आगे जा रहा है, ऐसा कुछ सीन है। और ऊपर में दोस्तों आपको लिफ्ट देखने को मिल जाएंगे, जो ब्रह्मपुत्र नदी के उस पार से इस पार आता है, देख सकते हैं बहुत से लोग जा रहे हैं ऊपर से। तो दोस्तों मंदिर के सामने उतर ही गए हैं, चलिए अब निकलते हैं और दिखाते हैं बाहर का सीन क्या है। ये फिर शिप जो फिर वहीं पर जाएगा। तो दोस्तों चलिए अब चढ़ाई शुरू करते हैं, मंदिर ऊपर में है।
सीट पर आ गए हैं और मंदिर के सामने भी आ गए। तो ये रहा मंदिर की फ्रंट के सीन, देख सकते हैं ऐसा कुछ सीन है दोस्तों में मंदिर की फ्रंट की। चलिए अंदर की तरफ घुसते हैं और दिखाते हैं क्या है यहाँ पर। यह है ना ऐसा कुछ सीन है दोस्तों, श्रद्धालुओं के देखिए भीड़ लगा हुआ लाइन में, एक एक करके घुसता अंदर। बहुत ही जबरदस्त सीन है भाई यहाँ की, क्या ही बताए। द्वीप टाइप का हो गया ना ये, कि चारों तरफ पानी, बीच में एक द्वीप जैसे समुद्र में होता है वैसा ही है। यह हमारी छोटी सी जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। ऐसा कुछ ड्रैगन फ्रूट है, देख से काटा हुआ है, भाई साहब बना रहे हैं। तो दोस्तों हम भी खा ही लेते हैं भाई साहब से। और दोस्तों यहाँ शिप लगा हुआ देख सकते हैं, चलेंगे उस पार।